यस फ्रेंड्स, वेलकम टू देहरादून। हेलो फ्रेंड्स, आज 6 जुलाई है और मैं, जैसे मैंने बताया कि देहरादून से दिल्ली आया हुआ हूँ मैं अपने बुलेट को लेने के लिए, और ये देखो इसका क्या हाल हो रखा है। रोज करके मैं वो भी इसको मैं रीड करूँगा और उसके बाद आज लेके जाऊँगा इसको मैं ड्राइव करके, राइड करके। इसको मैं फर्स्ट टाइम लेके जा रहा हूँ देहरादून। हेलो फ्रेंड्स, 11 बजे और मैं देहरादून के लिए निकल रहा हूँ। बाइक में हवा भी नहीं थी और 2-4 और सेटिंग ठीक करनी पड़ी हम, तो आप रास्ते में 2-4 वीडियो शूट करेंगे हम। अभी मीटर 16533 है, हम देखते हैं आज देहरादून तक पहुँचते कितना होता। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने अभी 700 रुपये का तेल डलवाया है, देखते हैं कितना चलता है देहरादून का। मेरा पीछे पेट्रोल पम्प है। हेलो फ्रेंड्स, ये मैं दिल्ली से निकला था 11 बजे, अब 1:30 बज गए हैं। अब बीच में मैं ये मेरठ पहुंच गया हूँ। अब यहाँ पे कुछ हल्का फुल्का ब्रेक लूँगा मैं बीकानेर में, उसके बाद फिर निकल पड़ेंगे देहरादून के लिए। हेलो फ्रेंड, ये रास्ते में सिसोड़ी पड़ता है, यहाँ पर पहुँच गया हूँ मैं ड्राइव करके। बहुत ही अच्छा सीन लग रहा है मुझे यहाँ पे गेटवे, तो मैंने सोचा थोड़ा रोक लेता हूँ, ये देखो क्या व्यू है। गजब। ये मैं मिडवे नवस्ते पहुंच गया हूं फर्स्ट टाइम अभी। अब यहाँ भी थोड़ा सा एक ब्रेक लूँगा मैं, हल्का सा कुछ ड्रिंक टाइप की पीऊँगा, जिससे कि मुझे देहरादून तक एनर्जी मिलती रहे। अभी मैं देखता हूँ कुछ कि ऐसा क्या है। ये नवस्ते मिडवे पे मैंने एक तो पाव भाजी खाई है और एक ये स्ट्रॉबेरी स्मूथी ली है। हल्दीराम का ये नया प्रोडक्ट है शायद, मुझे लगा था कि किसी गिलास विलास में देंगे बना के ये, लेकिन ये थमा दिया उन्होंने। फिर एनी वेज, अब मैं अभी 2:30 बज रहे हैं और अब सीधा देहरादून में ही रुकूँगा मैं, बीच में तो नहीं रुकूँगा। और जैसा कि गूगल बाबा ने बताया था कि पूरे रास्ते बारिश मिलेगी, बारिश तो मुझे नहीं मिलेगी। अब देखते हैं देहरादून से घुसने से पहले क्या होता है क्या नहीं, ना मैं तो रेनकोट वगैरह सब एकदम से फिट होकर आया हूँ। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ से देहरादून वाले पहाड़, देहरादून के बड़ मसूरी के पहाड़ देखने लगे हैं। 40 किलोमीटर और रह गया देहरादून यहाँ से बस, उसके बाद मैं पहुँच जाऊँगा यहाँ। मैंने थोड़ा सा ब्रेक लेने के लिए यहाँ पे रोकी है। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जब मैं निकला था तो मेरी स्किन के हाथ का कलर देखो ऐसा था, और जब मैं देहरादून पहुँचने वाला हूँ तो ये देखो ये ऐसा हो चुका है। दोस्तों, ये मैं मुलन के बाद हरी एरिया में आ चुका हूँ। आप यहाँ से 25 किलोमीटर है देहरादून, और आज मुझे लग रहा है कि मुझसे ज़्यादा मज़ा बाइक को आ रहा है। काफ़ी दिनों बाद ये लॉन्ग राइड पर हूँ मैं, अराउंड 270 किलोमीटर, और 11 बजे निकला था मैं, और आप 5 बजने वाले हैं। अराउंड 2:50 तो 250 किलोमीटर तो मैं चली चुका हूँ। जवान में मेरी लड़खड़ा रही है, थकावट हो गई चुकी है, इसलिए अभी आधे घंटे की राइड और है, उसके बाद मैं घर पहुंच जाऊंगा। और दोस्तों, देहरादून में घुसने वाला हूं मैं, और ये देखो बादल नज़र आने लग गए हैं पूरे रास्ते, मुझे कहीं भी कुछ भी नज़र नहीं आया, लेकिन मुझे लग रहा है देहरादून में घुसूँगा और मैं बारिश में भीग जाऊँगा। कोई नहीं, अपने पास रेनकोट है। चलो दोस्तों, आधे घंटे और ड्राइव करते हैं। और दोस्तों, बारिश शुरू हो गई है, फाइनली रेनकोट निकाल ही लिया मैंने। यस फ्रेंड्स, वेलकम टू देहरादून। ये है देहरादून का मौसम, और मैं पहुंच चुका हूँ यहाँ से। हार्डली 5 मिनट लगेंगे मुझे अपने घर पहुँचने में।
मज़ा आ गया, कतई बहुत ही एक्साइटमेंट भरा ट्रिप रहा ये मेरा दिल्ली से देहरादून का, और ऑलमोस्ट 6 घंटे में मैं पहुँच भी गया। और दोस्तों ये देहरादून का मौसम, अंदर घुसते ही आप देख सकते हैं क्या बारिश हो रही है तब तक, और मैं ऑलमोस्ट 6 घंटे में पहुँचूँगा जैसा मैंने आपको बताया। आप 5 या 10 मिनट लगेंगे मुझे घर पहुँचने में। ये देखो क्या गजब मौसम है। हेलो फ्रेंड्स, मैं पहुँच चुका हूँ घर। बहुत ही एक्साइटमेंट वाला ट्रिप रहा, तूफान भी मिला, धूल भी मिली और धूप भी मिली, और लास्ट में जो बारिश मिली उसने पूरी थकान भी मिटा दी। ओके, ओवर एंड आउट, फिर मिलेंगे। सो फाइनली देहरादून। मौसम खुला हुआ है, बारिश लेकिन कभी भी आ सकती है। हेलो फ्रेंड्स, इस लॉन्ग राइड के बाद मैं एक दो टिप आपको देना चाहूँगा। पहली टिप है कि हेलमेट थोड़ा लाइट ही पहनकर चलें, अगर आपको 250-270 किलोमीटर चलना है सिंगल डे में। और दूसरी टिप, पहली टिप का ये रीज़न है कि आपकी नेक पे एक्चुअली प्रेशर कम पड़ेगा। अगर आप हैवी वाला पहनेंगे तो ऑब्वियसली ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा और रस्ते में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो बेटर लाइट से लाइट ही हेलमेट पहने, स्ट्रॉन्ग हो। और दूसरी टिप, फुल स्लीव्स की टी शर्ट पहने या शर्ट जो भी है। ये देखो, मैं एक्चुअली मेरे पास थी फुल स्लीव्स की, मैं पहन के नहीं गया। ये ऊपर से मैं वाइट दिख रहा हूँ मेरा हाथ, और नीचे जो ब्लैक हो चुका। और थर्ड टिप जो मैं आपको बताना चाहूँगा, थर्ड है कि रास्ते में पानी वगैरह थोड़ा थोड़ा पीता रहे, थोड़े थोड़े देर पर रुकते रहें, थोड़ा थोड़ा पानी, जिससे कि डिहाइड्रेशन ना हो। लास्ट बट नॉट लिस्ट जो है, जो फूड खाएं थोड़ा लाइट ही खाएं, जो कि इजीली डाइजेस्ट हो जाए। अगर ये एक दो टिप आप मानेंगे तो मेरे ख्याल से जो मैंने फील किया, इजीली आप राइड कर पाएंगे 240-270, कोई ज़्यादा नहीं है, इजीली वन डे में हो सकती है। ओके, ओवर एंड आउट।